हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि YouTube का सिल्वर प्ले बटन कब और कैसे मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि YouTube का सिल्वर प्ले बटन कब और कैसे मिलता है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि YouTube का जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो कब और कैसे मिलता है। अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं तो आप लोग भी जो है यहाँ पे जानना चाहते होंगे कि YouTube का जो सिल्वर प्ले बटन है कब और कैसे मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है दो सिल्वर प्ले बटन है। एक मेरा ये है सिल्वर प्ले बटन, तो और एक हमारा जो है पीछे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, एक मेरा सिल्वर प्ले बटन ये है, तो ये मेरा जो है यहाँ पे टेक टेक्निकल एस के चैनल का सिल्वर प्ले बटन है। और एक मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, और ये हमारा जो सिल्वर प्ले बटन जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो सिल्वर प्ले बटन है, ये हमारे है मिस्टर सोनू टेक्निकल का। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सिल्वर प्ले बटन है वो आप लोगों को कब और कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे YouTube का सिल्वर प्ले बटन लेने का फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये जो सिल्वर प्ले बटन है मुझे कब और कैसे मिले वो मैं आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दूंगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो YouTube का सिल्वर प्ले बटन है सिर्फ ये YouTube क्रिएटर को ही मिलता है। अगर आप लोग एक यूट्यूबर क्रिएटर हैं तो सिर्फ ये जो सिल्वर प्ले बटन है वो आपको ही मिलेगा। अगर आप लोग यूट्यूब क्रिएटर नहीं है, आप लोग यूट्यूब पर काम नहीं करते हैं, तो ये सिल्वर प्ले बटन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि नॉर्मल कोई भी बंदा होगा उसको YouTube का सिल्वर प्ले बटन जो है नहीं दिया जाता है। अब दोस्तों, ये जो सिल्वर प्ले बटन मिलने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। दोस्तों, सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले जो है YouTube पर एक चैनल क्रिएट करना होता है। आप लोग अपना एक यूनिक सा नाम रख के अपना चैनल क्रिएट कीजिए, और जब चैनल क्रिएट करता है क्रिएटर, तो चैनल क्रिएट करने के बाद वो YouTube पर वीडियोज़ को अपलोड करता है, और वीडियोज़ को जो अपने कैटेगरी के हिसाब से वो अपलोड करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है वो उस तरीके से वीडियोस अपलोड करता है। अब यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो रेसिपी हो गई, कॉमेडी हो गई और एडिटिंग हो गई, किसी भी तरीके की कैटेगरी होती है वो वीडियोस को अपलोड करता है। जब वीडियोस को वो अपलोड करता रहता है, पहले एक सब्सक्राइबर से यानी कि 0 सब्सक्राइबर से उसके जो है 100 सब्सक्राइबर होते हैं, फिर इसके बाद उसके पास एक मेल आता है YouTube की तरफ से कांग्रेट्स का कि आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जब 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप काम करते रहिए। जब YouTube क्रिएटर काम करता रहता है, वीडियो डालता रहता है, रेगुलर वीडियो डालता रहता है, और डालने के बाद फिर उसके हो जाते हैं 500 सब्सक्राइबर। YouTube की तरफ से फिर से एक मेल आता है कि आपके जो है YouTube चैनल पर टोटल 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जब आप लोग फिर से जो है YouTube क्रिएटर काम करता रहता है, फिर आ जाता है 1000 सब्सक्राइबर। जब YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब यूट्यूबर का YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता है YouTube टीम की तरफ से। उसके चैनल पे जो है एडवर्टाइज आना स्टार्ट हो जाते हैं और यूट्यूबर अपने YouTube वीडियो से अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने YouTube वीडियो से पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है। जब 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद 10000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके कंप्लीट, तो उसके और भी जो फीचर हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, फीचर अनलॉक हो जाते हैं, स्टोरी पोस्ट अनलॉक हो जाती है, सारे के सारे जो पोस्ट वगैरह और भी चीज़ें होती है फीचर, उसको एक्स्ट्रा अनलॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो YouTube पर रेगुलर क्रिएटर वीडियो डालता रहता है, फिर YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर जाके कंप्लीट होते हैं। 50,000 होंगे, फिर इसके बाद 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। जब 1,00,000 YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तब यूट्यूबर अपने YouTube सिल्वर प्ले बटन के लिए वहाँ से अप्लाई कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब आपके YouTube चैनल पर यानी कि कोई भी क्रिएटर होता है YouTube का, तो YouTube चैनल पर जब वो 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है, तब उसको एक रिडीम कोड दिया जाता है। तो वो रिडीम कोड को YouTube के जो है मेल आते हैं वहाँ से एक लिंक दिया जाता है। UPSC एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो भी मतलब जो आउट ऑफ कंट्री के प्रोडक्ट होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए एक जो है प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर आपको उस जो है सिल्वर प्ले बटन का रिडीम कोड को अप्लाई करना होता है। इसके बाद वहाँ पर आप लोग को अपना एड्रेस डालना होता है, डिटेल डालनी होती है, पैन कार्ड की और आधार कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है। इसके बाद आपका जो सिल्वर प्ले बटन है वो अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद वो आपका जो सिल्वर प्ले बटन है वो 10 से 15 दिन बाद आपके घर के एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है YouTube सिल्वर प्ले बटन पाने का। तो अगर आप लोग भी एक YouTube क्रिएटर हैं तो आप लोग भी अपने चैनल पे मेहनत करते रहिए और 1,00,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कीजिए। जैसे ही आपके YouTube चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही आपको YouTube चैनल सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो और हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को एक लाइक, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए
आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। बाकी का आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। और ये मुझे जो है यहाँ पे मिले हैं दो दो सिल्वर प्ले बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास दो दो सिल्वर प्ले बटन है। ये आप सभी लोगों का प्यार है, तभी ये जो है दो दो हमारे पास जो है सिल्वर प्ले बटन आए हैं। तो आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, तो आप लोगों के पास भी इस तरीके से, अगर आप लोग 4 चैनल खोलेंगे तो इसी तरीके से आप लोग के पास भी 4-4 यूट्यूब के सिल्वर प्ले बटन हो जाएंगे। तो दोस्तों बस अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।